दोस्तों स्वागत है आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि हम विगत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉप 10 प्रश्न हर रोज सोल्व करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिर से हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉप 10 प्रश्न लेकर आए हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ये आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल उत्तर के सहित आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं और हर प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और लास्ट में बताना है कि 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है कि दोस्तों राजपूताना म्यूजियम कहां पर स्थित है। दोस्तों राजपूताना म्यूजियम अपने अजमेर जिले में स्थित है, याद रखना राजपूताना म्यूजियम अपने अजमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी। दोस्तों ये रीट एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी। दोस्तों ये की गई थी जैसलमेर जिले में। कहां पे? जैसलमेर जिले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चित्तौड़गढ़ का किला कहां पे स्थित है। दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला अवस्थित है इनमें से, ये दोस्तों वेटरनरी ऑफिसर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है कहां पे अवस्थित है। दोस्तों यानी कि कौन से पठार पर स्थित है, वह दोस्तों अपने मेसा के पठार पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को क्या माना जाता है। दोस्तों ये एग्जाम जेल पैरी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को क्या माना जाता है। दोस्तों उसको हिंदुओं का स्मारक भी नहीं कह सकते, प्रशस्तियों का स्मारक भी नहीं माना जाता और स्तंभों का स्मारक भी नहीं कहते। दोस्तों उसको आदिनाथ स्मारक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और यही इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिलों में क्षेत्रफल का अंतर कितना है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े कोई दो जिले हैं, उनके क्षेत्रफल का अंतर कितना है। दोस्तों ये जेल पैरी परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस जिले का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इनमें से किस जिले का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। दोस्तों ये जेल पैरी परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आपके सामने है और नीचे कमेंट बॉक्स में भी इसका सही आंसर आपको पिन करना है। जो भी इसका सही आंसर सबसे पहले देगा मैं उसका कमेंट को पिन करने की कोशिश करूंगा। सही आंसर आ जाएगा भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। दोस्तों ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि खनिजों का संग्रहालय किस जिले को कहा जाता है। आप सबको पता है दोस्तों अपने प्यारे राजस्थान को, मारो राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, यानी कि ऐसे कौन कौन से खनिज है जो सिर्फ राजस्थान के अंतर्गत ही उत्पादित होते हैं। दोस्तों वह अपने जास्पर, तांबड़ा, पन्ना और बुलस्टोनाइट, इनके अंदर राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, यानी कि एकाधिकार है राजस्थान का। 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समितियों का सदस्य नहीं होता। इनमें से कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष सदस्य नहीं होता। दोस्तों RAAS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा राज्य एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता। दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, ये ही अपने राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आ जाएगा पारदर्शी प्रशासन, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न जो पिछली प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी तैयारी में थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, आप तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, थैंक यू। और ये दो वीडियो आपके सामने है, इनमें से किसी एक वीडियो पर क्लिक करो और अपना राजस्थान सामान्य ज्ञान इंक्रीज करो। धन्यवाद।